नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का आपके अपने चैनल किसान बदलेगा में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सरसों की पांच सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे इन किस्मों के नाम, उनकी समयावधि, उनके उत्पादन, तेल की मात्रा और उसके प्रति केजी बीज का भाव, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं पाँचवें नंबर की वैरायटी के बारे में, जहाँ पाँचवें नंबर पर आती है दो किस्में, उनमें से पहली किस्म है एडवांटा कंपनी की 414। अगर इस किस्म की समयावधि की बात करें, यह किस्म 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं अगर इस किस्म के उत्पादन की बात करें तो लगभग 11 से 14 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे देती है। वहीं अगर इस किस्म के तेल की मात्रा की बात करें तो लगभग 40 से 41% तक तेल की मात्रा पाई गई है। अगर इस किस्म के बीज की मूल्य की बात करें तो लगभग 650 से 750 रुपये प्रति केजी की बीज में आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहीं पांचवें नंबर पर दूसरी किस्म आती है श्रीराम की 1666। यह किस्म की समयावधि की बात करें तो यह किस्म लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं अगर इस किस्म की उत्पादन की बात करें तो लगभग 11 से 14 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देती है। इस किस्म के अगर औसत तेल की बात करें तो लगभग 40 से 41% तक तेल की उपस्थिति पाई गई है। वहीं अगर इसके बीज की मूल्य की बात करें तो इस किस्म के बीज आपको लगभग 630 रुपये से लगाकर 750 रुपये प्रति केजी के भाव में उपलब्ध हो जाएगा। इस किस्म की बुआई आप अगेती और पछेती दोनों समय में कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पर आती है पायनियर कंपनी की P5222। अगर इस किस्म की समयावधि की बात करें तो लगभग यह किस्म 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं अगर इस किस्म की उत्पादन की बात करें तो लगभग 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देती है। इस किस्म में तेल की मात्रा की बात करें तो लगभग 41 से 42% तक तेल की उपस्थिति पाई गई है। वहीं अगर इसके बीज की मूल्य की बात करें तो लगभग 550 से लगाकर 700 रुपये प्रति केजी के भाव से आपको इसका बीज उपलब्ध हो जाता है। तीसरे नंबर पर आती है पायनियर कंपनी की PA5210। अगर इस किस्म की समयावधि की बात करें तो यह किस्म 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं अगर इस किस्म की उत्पादन की बात करें तो लगभग 11 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे देती है। वहीं अगर इस किस्म में तेल की मात्रा की बात करें तो लगभग 40 से 43% तक तेल की मात्रा उपस्थिति पाई गई है। इस किस्म की बुआई आप अगेती व पछेती दोनों समय में कर सकते हैं। अगर इस किस्म के बीज के भाव की बात करें तो लगभग आपको 620 रुपये से लगाकर 750 रुपये प्रति केजी के भाव से उपलब्ध हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल किसान बदलेगा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप तक सबसे पहले नई वैरायटी तथा सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की जानकारी सबसे पहले लाते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। नंबर एक पर आती है कालिया TMMMD, जो कि त्रिमूर्ति कंपनी की है। अगर इस किस्म की समयावधि की बात करें तो लगभग 125 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर इस किस्म की उत्पादन की बात करें तो 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देती है। वहीं अगर इसमें तेल की मात्रा की बात करें तो लगभग 40 से 42% तक तेल की उपस्थिति पाई गई है। अगर इस किस्म की बात करें बीज दर की तो लगभग आपको 600 से लगाकर 725 रुपये प्रति केजी के भाव के बीच में उपलब्ध हो जाएगी। अगर हम बात करें इन सभी किस्मों की उत्पादन कैसे बढ़े, तो उत्पादन के लिए आप सल्फर का जरूर प्रयोग, हमने इसे कैसे सल्फर का प्रयोग करना है इसकी पूरी जानकारी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहां जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप सरसों की वैरायटी का उत्पादन कैसे बढ़ाएं यह आप जरूर देखें, ताकि आप अपनी ग्रोथ और अपनी फसल की ग्रोथ जरूर बढ़ाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले आपने किस किस्म की बुआई की है इसकी जानकारी कमेंट कर आप हमारे साथ बिल्कुल साझा करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं चैनल से जुड़े या वीडियो से जुड़े तो आप जरूर कमेंट करें, हम उन पर जरूर नज़र करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।